हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं विशाल दी वाइब्रेंट विशाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल यार इन दी कार। और आज आपको दिखा रहे हैं रेनो की एक ऐसी कार जिसका नाम है रेनो कैप्टर। बट न जाने क्यों इस गाड़ी ने इंडियन मार्केट कैप्चर नहीं की, या कह सकते हैं कि नहीं कर पाई। अब रीज़न जानेंगे क्यों, बट हाँ आज मैं गाड़ी के फीचर्स आपको बताऊँगा, गाड़ी के बारे में बताऊँगा और लेट्स सी को डिसाइड करिएगा कि ये गाड़ी क्यों मार्केट इतना कैप्चर नहीं कर पाई। तो पहली चीज़ ये साइड प्रोफाइल आप देख लीजिए गाड़ी का। ये रेनो डस्टर के बाद लॉन्च हुई थी, बट डस्टर के ही प्लेटफॉर्म पे बनाई गई गाड़ी है। सब कुछ इसका डस्टर से लिया गया है, बट हाँ इंटीरियर एक्सटीरियर कम्प्लीटली चेंज है। जिस समय गाड़ी लॉन्च हुई उस समय मार्केट में फोर्ड एको स्पोर्ट या फिर क्रेटा भी आ चुकी थी, बट हाँ ये गाड़ी एक अलग सेगमेंट की गाड़ी बनाई गई थी, एक अलग डिज़ाइन लाइन पर बनाई गई थी जो कि आप सामने देख रहे हैं। 17 इंच के रेडियल और एलॉयज इसके अंदर दिए गए हैं जो कि इस गाड़ी को काफ़ी सूट करते हैं गाड़ी के साथ। और ये जो पर्टिकुलर मॉडल है इसको प्लेटीन कहते थे रेनो वाले, यहाँ पर उसकी बैजिंग भी हो रखी है। साइड पे आपको ये दिख रहा है क्रोम ORVMs, बट ये क्रोम आफ्टर मार्केट करवाया गया है, वैसे तो इसमें ब्लैक कलर का ही आता है। और अगर मैं बात करूँ इसके लुक्स की तो ये ऐसे इसके कुछ शानदार लुक्स थे। फ्रेंच कार मेकर है रेनो और इन्होंने फर्स्ट टाइम रेनो ने येलो हेलोजन लैंप को चेंज करके हेड लैंप के अंदर प्योर विजन LED लाइट दी थी, वाइट कलर की क्रिस्टल। और उस समय इस सेगमेंट के अंदर इसी गाड़ी में वाइट LED सेटअप आया करता था और गाड़ियों में नहीं आता था, सिर्फ हेलोजन आता था। ये देखिए LED प्योर विजन लाइट, तो काफ़ी अच्छा थ्रो था इसका वाइट लाइट का और स्मार्ट लगती थी। ये देखिए फ्रंट से इसका जो पूरा लुक है मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप यहाँ से देखेंगे थोड़ी थोड़ी आपको ये बलेनो जैसी लुक लग रही है जो बाद में बलेनो आई थी, बट ये क्लोज लुक है इसलिए बलेनो जैसा लग रहा है, बट वैसा है नहीं, ये अलग है। सेंटर में आपको बड़ा सा रेनो का लोगो देखने को मिल जाता है, यहाँ पे क्रोम फिनिश दिखती है। तो ये जो नीचे वाला लिप है ना, ये बलेनो की आपको याद दिलाएगा, बलेनो से काफ़ी सिमिलर है, कह लीजिए कि शायद बलेनो ने इनसे इंस्पायर होकर बनाया हो। ये इसका इंटीरियर आप देख रहे हैं जो कुछ ऐसा था, यहाँ पर इसका स्टेयरिंग व्हील और इसमें जो स्टेयरिंग व्हील कंट्रोल्स है ना वो स्टेयरिंग व्हील पे नहीं उसके पीछे दिए गए थे। सेंटर में आपको 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता था। रियर में शार्क फिन एंटेना तो नहीं मिलता था, ये ऐसा वाला एंटेना था। यहाँ पे हाई माउंट स्टॉप लैम्प, यहाँ पर पीछे कैप्चर की बैजिंग, सेंटर में रेनो की बैजिंग और कुछ ऐसे इसके टेल लैम्प थे। यहाँ पर रेनो की बैजिंग, नीचे आप देखिए इसका बम्पर जो है वो कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पर सिल्वर स्किड प्लेट है। DCI इंजन जो कि डस्टर का था वही इंजन इसके अंदर यूज किया गया था। अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो इस गाड़ी में लगभग 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस था जो कि काफी लाजवाब था। देख रहे हैं आप ग्राउंड क्लियरेंस कितना ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस था, ये देखिए टायर और यहाँ से देखिए कितना ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस, ये 210-211 के करीब mm का इसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया था। कैप्चर के बाद ही रेनो ने फिर लॉजी निकाली जो कि 7-सीटर थी और बहुत लंबी गाड़ी थी यार, बट हाँ लॉजी भी इतना काम नहीं कर पाई, इंडियन बायर्स उसको इतना समझ नहीं पाए। तो कुछ होता है कई बार, कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती हैं कंपनी निकालती है बट नहीं इंडियन बायर्स उसको समझ पाते। बट हाँ ये गाड़ी प्रैक्टिकल भी थी, स्पेशियस भी थी, लग्जूरियस भी थी, बट हाँ फिर भी इंडियन मार्केट कैप्चर नहीं कर पाई। तो ये शॉर्ट वीडियो था, मैं ज़्यादा इसके बारे में नहीं बताऊँगा, बट हाँ जितना बताया इतना ही इस गाड़ी के लिए काफ़ी है। शायद आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जनाब, अच्छा कॉन्टेंट आपको लाकर देता रहता हूँ, यूनिक चीज़ें भी। आप मेरे चैनल पे जाएं आपको बहुत से तमाम वीडियो मिल जाएंगे, लगभग 1000+ वीडियोस अभी तक मैं अपलोड कर चुका हूँ चैनल पर। देखते रहें चैनल यार इन द कार, खुश रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें एंड ड्राइव सेफ।